संभल के चलने का सारा गुरू टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरू टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये तो कमाल ही हो गया। जिस विवेक अग्निहोत्री को भक्तों ने अपने सिर माथे पर बैठा रखा था, उस विवेक अग्निहोत्री पर अब कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है, खासकर उसके बयान को लेकर के जिसमें उन्होंने अपने गोबर ज्ञान से भोपाल के रहने वाले लोगों को समलैंगिक करार दिया था। यानी अगर कोई भोपाली है तो विवेक बाबू की नजर में एक नंबर का समलैंगिक व्यक्ति होगा। सोचिए, इतनी घटिया बात केवल वही सोच सकता है जो खुद ही इस तरह की सोच रखता होगा। लगता है कि विवेक बाबू इस मामले में काफी अनुभव रखते हैं, लेकिन अब उनका यही बयान भोपाल वालों के कान में चुभने लगा है, जिसके बाद उनकी जमकर लानत मलानत हो रही है। अब विवेक अग्निहोत्री के दिमाग में चल रही खुरापात के बाद उनके खिलाफ उनके ही बयान पर अब मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब मुंबई पुलिस कायदे से विवेक अग्निहोत्री को सबक सिखा सकती है। और एक बात और जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज है कि मुंबई पुलिस का मतलब महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का मतलब उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मतलब शिवसेना, और शिवसेना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से खफा है। बीजेपी और शिवसेना के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयान बाजी कर रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा बीजेपी को सबक सिखाने का, क्योंकि महाराष्ट्र में केंद्रीय एजेंसी ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के मंत्री नवाब मलिक को खिलाफ एक्शन लिया है, शिवसेना इसे बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश मानकर चल रही है। ऐसे में पुलिस में कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, तो शिवसेना इस मौके को भुनाने में देर नहीं करेगी, और शिवसेना को खामोशी से इस बात को कहने में देर नहीं करेगी कि कब तक छिपोगे खंबे की आड़ में, कभी तो मिलोगे भिंडी बाजार में। और अब शिवसेना ने विवेक अग्निहोत्री को बीजेपी के खंबे से खींचकर भिंडी बाजार में खींचने के लिए तैयार हो चुकी है। विवेक अग्निहोत्री को अंध भक्तों ने बहुत बड़ा पप्पा मान लिया था, अब वही अग्निहोत्री भोपालियों को समलैंगिक कह रहे हैं। यानी इतनी घटिया सोच रखने वाले व्यक्ति को आखिर कैसे भक्तों ने अपने आंखों का तारा बना लिया? ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति की विचारधारा के साथ भक्तों की विचारधारा कैसे मेल खा सकती है? ये तो भक्त भी विवेक बाबू की विचारधारा से तन मन और धन से प्रभावित होंगे, वरना ऐसे विचार तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जिनकी समाज में कोई जगह नहीं होती है। आप अपने आसपास रहने वाले भक्तों से जरा सावधान रहिएगा, हो सकता है विवेक अग्निहोत्री के संगत में उनका चाल चरित्र बदल ना जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक बाबू अब उद्धव के झंडे के नीचे नजर आएंगे। उनकी जितनी भी बकैती फिल्म के नाम पर झलक रही है सब खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। कश्मीर फाइल्स भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बन चुकी है, जो पूरे देश को बदले की भावना से दिखाया जा रहा है, ताकि चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिल सके। बीजेपी के लिए विवेक केवल एक बलि का बकरा बन चुके हैं, जिसे बीजेपी ने खूब नहला धुला कर बलि के लिए तैयार कर रखा है, और बीजेपी विवेक अग्निहोत्री के कंधे पर बंदूक कर अपने चुनावी नैया को पार करना चाहती है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री की सारी चालाकी मुंबई पुलिस के आगे फेल होती नजर आ रही है। आखिर क्यों उद्धव ठाकरे के लपेटे में आ गए विवेक अग्निहोत्री? आखिर क्यों मुंबई पुलिस कर सकती है विवेक अग्निहोत्री का हिसाब? आखिर क्यों भिंडी बाजार में खड़े नजर आ रहे हैं विवेक बाबू? आखिर क्यों बदमिजाज नजर आ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री? आखिर क्यों मूर्खता की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपने विवादित बयान की वजह से मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने अपने एक इंटरव्यू में भोपाली का मतलब समलैंगिकता बताया था, जिसके बाद से उनके इस बयान से लोगों में काफी नाराजगी है। बीते कई दिनों से उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब उनके इस बयान को लेकर मुंबई में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ दर्ज हुए मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पत्रकार सह सेलिब्रिटी जनसंपर्क प्रबंधक रोहित पांडे ने अपने वकील अली काशिफ खान देशमुख के माध्यम से वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी ने विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ लिखित शिकायत मिलने की पुष्टि की है। अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया है कि द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में मैं स्वेच्छा से बेवजह और दुर्भावना पूर्ण तौर पर भोपालियों को होमोसेक्सुअल कहकर उनके मूल स्थान भोपाल का अपमान किया है। शिकायतकर्ता ने विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए धारा 153A और B के तहत अग्निहोत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
दरअसल द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने बीते दिनों एक संस्थान को इंटरव्यू दिया था, जिसकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी। इस क्लिप में विवेक अग्निहोत्री ने खुद के बारे में बताते हुए कहा कि वो भोपाल में पले बड़े हैं, लेकिन वो भोपाली नहीं है, क्योंकि भोपाली का एक अलग अर्थ है जिसे आप किसी भी भोपाली से पूछ सकते हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने होस्ट से कहा कि मैं कभी आपको अकेले में समझाऊंगा। फिर अग्निहोत्री ने कहा कि अगर कोई कहता है कि वो भोपाली है तो आमतौर पर इसका मतलब है कि वो समलैंगिक है, यानी नवाबी शौक वाला व्यक्ति है। विवेक अग्निहोत्री के इस विवादित बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी, जिनमें राजनेताओं से लेकर आम लोगों ने अपनी राय रखी थी। अपनी शिकायत में रोहित पांडे ने यह कहा कि मुंबई के अब वकील काशिफ खान देशमुख के माध्यम से दर्ज कंप्लेन में रोहित पांडे ने कहा है कि प्रमोशन के नाम पर सस्ती कंट्रोवर्सी खड़ी कर विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स से और प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, लेकिन अग्निहोत्री ने इसका एक भी पैसा विस्थापित कश्मीरी पंडितों पर खर्च नहीं किया है। पांडे ने आगे कहा कि भोपाल का होने के नाते मुझे उनके इंटरव्यू को देख शर्म आ रही है। भोपाल का होने के बावजूद उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का काम किया है। पांडे ने आगे अपनी शिकायत में कहा है कि अग्निहोत्री का अपने शब्दों पर कोई कंट्रोल नहीं है, वे सिर्फ समाज के लिए ही नहीं देश के लिए भी खतरनाक हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक केस का जिक्र करते हुए पांडे ने आगे कहा कि विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत एफआईआर होनी चाहिए। हालांकि अपने इस बयान पर बवाल मचने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने इस पर सफाई पेश की है। विवेक ने कहा कि आज के भोपाली का मतलब विवेक अग्निहोत्री है। उन्होंने कहा कि किसी चीज को काट पीट कर पेश किया जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग कश्मीर का सच जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। मैं यही कहूंगा कि आज के भोपाली का मतलब है विवेक अग्निहोत्री, यानी विवेक बाबू शिकायत दर्ज होने के बाद अब शराफत की भाषा बोल रहे हैं। उनका बयान इस वक्त रिकॉर्ड में मौजूद है। अब अपनी हर खामी को कश्मीर और कश्मीरियों के नाम पर छुपा नहीं सकते हैं। उनको ये बताना होगा कि भोपाल का मतलब सिर्फ विवेक अग्निहोत्री कैसे हो गया। क्या भोपाल उनकी मिल्कियत है या उनकी जागीर है? उनके बाप दादाओं ने भोपाल को दान कर दिया था। विवेक बाबू अब अपने घटिया बयानों से खुद के ऐब को छुपा नहीं सकते हैं। अब उनके पास अपने इस बयान का बचाव करने के लिए कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बेखुद बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कभी हया उन्हें आई कभी गुरूर आया, कभी हया उन्हें आई कभी गुरूर आया, हमारे काम में सौ सौ तरह फुतूर आया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत, जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।